सच्चा न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़े का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे तो हम देखते हैं कि हम क्या जो है संसारिक बातों का निर्णय ना कर सके? बस देखिए, आज हम और आप जो है एक दिन न्याय करने वाला है। हम राजा होकर राजा को दुनिया को राज्य करने वाला है करते हैं। इसलिए आपको और मुझे ये याद रखना है कि हमारे जीवन में आप और ये हम जो है जन्म से ही राजा करके नियुक्त किया गया करके मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो नौवा बात हम देखेंगे कि दोनों परिवार के माता पिता ने अपने बच्चों के राजा होने के विषय को दिल में गुप्त रखा करके यहाँ पढ़ते हैं। जब गुप्त रखा, इसका मतलब क्या है? उत्पत्ति 37 में 11 पढ़ेंगे, उत्पत्ति का 37 का 11 पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि उसके भाई तो उससे ताक करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। इसका मतलब क्या है? दिल में रखा, गुप्त रखा। जब प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ, तभी मरियम भी उस बातों को अपना मन में स्मरण रखा करके हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका स्मरण रखने का मतलब क्या है? स्मरण रखना नहीं तो गुप्त रखा, इसका मतलब क्या है? कुछ बातें बताया गया, उसको हमने स्मरण रखा, इसका मतलब क्या है? आप क्या सोचते हैं? किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं उसको बताना, छुपा के रखना। छुपा के रखना। और और उसका ध्यान रखना। उसका ध्यान रखना। और हाँ 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 और हमेशा स्मरण रखना। हाँ, हमेशा स्मरण रखना। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट। हमेशा स्मरण रखना। और किस बात को ऊपर अपन स्मरण रखेंगे? कुछ जो है बहुमूल्य बात है, जो बहुमूल्य बात है उसको ऊपर स्मरण रखेंगे और उसको ऊपर हम क्या करेंगे? विश्वास किया जाएंगे। कुछ बातें बताया जाएगा, आप उसको क्या करेंगे? एक तो विश्वास करेंगे, पक्का विश्वास करेंगे तो क्या करेंगे? आपका मन में रखेंगे। अभी हमारा ग्वालियर असेंबली में बहुत सारा बाइबल स्टडी हो रहा है, बहुत सारे बातों को हो रहे हैं, उसमें से सारे बातों को आपका मन में रखता गया? सारे बातों को मन में रखता गया? नहीं रखते अंकल। नहीं रखते है ना। कुछ बातों को आप क्या करते हैं? आपका मन में स्मरण रखता है, बराबर है कि नहीं? है ना। तो बहुमूल्य बात होगा, आपको अच्छा लगते होंगे, कुछ बातों को सिर्फ आप क्या करेंगे? मन में रखेंगे, बाद में भी सोचेंगे। कभी कभी आप जो हमारा वचन बताया जाता है, सारे वचन को हम लिखते नहीं है, कुछ वचन को क्या करते हैं? कुछ लोग नोट लिखते हैं, वो लोग सभी को लिखते हैं, लेकिन नहीं है तू भी जो नोट नहीं लिखता वो उनको कुछ वचन, अच्छा वचन मिला तो वो क्या करेंगे? उसको याद रखेंगे। भाई सही में आज आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें दोनों जो ने इस बातों को उसके बारे में, भविष्य के बारे में जो उसका राजा होंगे बताया, उसके लिए स्मरण रखा करके हम देखेंगे। हमारे जीवन में हम किस बातों को स्मरण रखना है, किसके ऊपर हम भरोसा रखना है, उसको हम हमारा मन में रखना है, उसको ध्यान रखना है, वो हमारे लिए बहुमूल्य रहना चाहिए, उसके बारे में आज हम देखेंगे। पहले 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 पढ़ेंगे देखो, भाइयों ने उसको क्या किया? ताक किया। लेकिन पिताजी ने उस बातों को क्या किया? स्मरण रखा। क्योंकि किसके लिए बहुमूल्य था ये बात? अपना पिताजी के लिए इस बात जो है बहुमूल्य था, लेकिन अपना भाइयों के लिए वो बात इतना बहुमूल्य नहीं था, इसलिए वो लोग ने क्या किया? उस बातों को अपना मन में नहीं रखा। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन में भी जिस बात जो है बहुमूल्य लग रहा है, उस बातों को आपका मन में रखेंगे। इसलिए आज जब मैं बताना हूं, उसको आपको मन में रखना है। दूसरे मैं इसके लिए हम आदर के लिए हम देखेंगे मत्ती के सुसमाचार दूसरा अध्याय पहले और दूसरा वचन पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार दूसरा अध्याय पहले और दूसरा वचन पढ़ेंगे, पहला और दूसरा। हाँ, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। देखो यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, उस जन्म के साथ साथ कुछ बातें बताया जाता है।
कि बोलते हैं कि जो राजा होकर पैदा हुआ वो व्यक्ति कहाँ है, ये जो बात को वो लोग बताते हैं। तो जब राजा जन्म होता है कहाँ जन्म होएगा, महल में जन्म हो जाएगा। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जो अब महल में जिस जगह पर जो राजा रहते हैं उस जगह पर जाता है, जो यहूदियों के राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं करके देखते हैं। ठीक है, नॉर्मली कोई बच्चा राजा होकर जन्म लेता है क्या? कोई बच्चा राजा होकर जन्म लेता है? नहीं है। तो ये देख अद्भुत जन्म है करके हमने पहले भी देखा, इस अभी हम देखेंगे, इस बातों को स्मरण रखते हैं कुछ लोग, उसी के बारे में भी हम देखेंगे। इस बातों को जब मालूम पड़ा वो लोग राजा के पास जाते हैं जो बच्चा जन्म हुआ करके। अब आगे बत्ती के सुसमाचार 2-8 से लेके पढ़ेंगे, 8-10 तक पढ़ेंगे बत्ती के सुसमाचार कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब महायाजकों और शास्त्रियों को इकट्ठे करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ताओं के द्वारा यों ही लिखा है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में से सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इसराइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने उनसे यह कहकर उन्हें बैतलहम में भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। यहां देखते हैं कि हमारा दो व्यक्तियों को देखते हैं, ज्योतिषों को देखते हैं और हम क्या देखते हैं, हेरोदियों को देखते हैं। हेरोद क्या बोलते हैं, ज्योतिषों को बोलता है कि तुम जाकर देखो, देखने के बाद मैं भी आके क्या करेगा उसको क्या करेगा प्रणाम करेगा बोलते हैं। एक्चुअली प्रणाम करने के लिए पूछ रहा था कि क्या, किसके लिए पूछ रहा था वो? मारने के लिए राजा हो के जन्म लिया तो उसको मारना चाहिए। लेकिन क्या बोलता है वो, बराबर देखो बात में आके मुझे बता, मैं भी आऊंगा उसको मैं क्या करूंगा, प्रणाम करूंगा करके देखते हैं। देखिए इसी बात को हम हमारा लोगों का तरह से भी हम देख सकते हैं। यूसुफ के जीवन में जो परमेश्वर ने उसको प्रकट किया कि तुम राजा हो जाएगा, तो भाई लोग ने नफरत करने लगा, उसको मारने के लिए कोशिश किया। जब प्रभु यीशु मसीह भी जन्म हुआ तब हम देखते हैं ये राजा हो के जन्म लिया करके बताए जाने के साथ साथ हम हेरोद राजा क्या करता है, उसको मार डालने के लिए कोशिश करता है। लेकिन बोलने में कैसा है कि मैं आके प्रणाम करूं करके बोलता है। लेकिन बाकी लोग हम क्या देखते हैं, बाकी लोग बहुत आनंदित हुए करके हम देखते हैं। यहाँ भी हम जो है दो तरीके के लोग हैं, आनंदित होने वाला लोगों को देखते हैं, जो उसको मार डालने वाला ऐसा उसको निकालने के लिए देखने वाला लोगों को हम देखते हैं। लेकिन 10वां वचन में हम जब देखते हैं उसने उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, जो वो लोग आनंदित होने का कारण देखते हैं। जो आज भी हम आपको देखते हैं, जो कुछ लोग जो है परमेश्वर का जो वाणी है, परमेश्वर ने जो बताया बातों को सुनकर अपना मन में रखते हैं और उसको आनंदित होते हैं। फिलिप्पियों 4:4 में देखते हैं आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो करके हम देखते हैं। जो हमारे जीवन में जो भविष्यवाणी किया जाता है, हमें बताया जाता है, उसी के ऊपर आपको और हमें आनंदित रहना है करके देखते हैं। लेकिन मत्ती का दूसरा अध्याय 11-12 वचन पढ़ेंगे, मत्ती 2:11-12 वचन पढ़ेंगे। मत्ती 2:11-12 Okay. और
और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोभान और गंधरस की भेंट चढ़ाई और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेश के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश चले गए। क्या हमारे प्रकट करता है कि जो प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ है वहां आकर वो लोग उसको धन्यवाद करते हैं, आनंदित करते हैं, हमसे उसको आराधना करते हैं। जो किसको आराधना किया, मरियम को आराधना किया कि बच्चों को आराधना किया, किसको किसको प्रणाम किया? बच्चे को। बच्चे को यहां देखे, एक बालक जन्म हुआ है, उस बालक को ऊपर क्या क्या किया लोग ने, उस लोग ने पूरा तरीके से क्या रखा, भरोसा रखा, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह। लेकिन वो कहां पैदा हुआ, चरनी में पैदा हुआ, उस चरनी में पैदा हुआ एक बच्चा राजा हो सकता है करके हमारा बुद्धि में सोच सकता है क्या, हमारा बुद्धि में सोच सकता है, हमारा बुद्धि से हमारा विचार से कहीं भी नहीं बैठता है। लेकिन उस लोग ज्योतिषों लोग क्या किया, उस वाणी जो तारे दिखाई दिया उस तारे को पर भरोसा रखकर वो तारे ने उन्हें अगुवाई किया जिस जगह पर बालक थे वहां लिख के दिया। इसलिए वो लोग ने क्या किया, उस बच्चे को प्रणाम किया और उन लोग ने जो दंडवत कर जो कुछ देते हुए उसके बारे में हम देखते हैं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जब उन लोग ने उस तारे को देखकर उसी को ऊपर पूरा तरीके से भरोसा रखा, आज आप और हमें इस परमेश्वर के ऊपर, एक बालक के ऊपर भरोसा रखा तो आप और मैं जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, हमारे लिए मार गया, गाड़ गया, तीसरे दिन जी उठा, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम पूरा तरीके से भरोसा रखकर उस पर निर्बल होना हमारा जरूरी है, हमारा कर्तव्य करके मैं बताता हूं। जब लेकिन स्वप्न में ये चेतावनी देख कर पाकर हेरोदेश के पास फिर ना जाना करके उनको चेतावनी दिया। प्यारे भाई और बहनों, जैसा उलोक मार्गदर्शन किया हुआ परमेश्वर उसको स्वप्न में भी दर्शन देकर उनको बताता कि वापस उन हेरोदेश के पास मत जाओ, अलग रास्ता पे जाओ करके उसको अगुवाई करता है। हमारा प्रभु आपको और मुझे भी हम कैसा चलना है वो बातों को हमें बताने वाला परमेश्वर है करके हम आपको बताना चाहते हैं। पहले ज्योतिषों को बारे में हमने देखा और दूसरा बारे में हम देखेंगे चरवाहों को। जब प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ इस बातों को सुसमाचार को चरवाहों को बताया जा गया है। देखिए जो राजाओं के जन्म हुआ है उस बातों को बड़ा लोगों को बताया जाता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ तो वो चरवाहों को लिए जाकर ये बातों को बताया जाता है। लूका दूसरा अध्याय 8-11 पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 2:8-11, लूका का सुसमाचार दूसरा अध्याय 8-11 तक पढ़ेंगे। और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे और प्रभु का एक स्वर्गदूत उनके पास आकर खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। देखो ये उस देश में कितने गडरिये थे वो सारे लोगों को ये सुसमाचार बताया गया है। देखिए एक बालक जन्म हुआ है जिनका हम देखते प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, प्रभु का तेज उनसे चारा और चमका, वे बहुत डर गए। देखिए एक बड़ा आनंद का बात बताने के साथ साथ वो लोग डर जाते हैं। हमारे जीवन में भी कभी कभी हम डर जाते हैं,
जब यूसुफ का भाई लोग ने डर गया क्योंकि जो हमारा भाई हमारा ऊपर राज्य करेगा करके डर गया। यहाँ जो चरवाहा देखते हैं किस बात कर डर गया, हो सकता है आश्चर्य संभव हुआ करके डर गया, लेकिन परमेश्वर ने उसको बोलता है कि मत डरो क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद के समाचार सुसमाचार सुनाता हूँ। जो हमारा आनंद का सुसमाचार आज भी बताया जाता है आप, लेकिन ये जो अवसर सभी को नहीं मिल जाता है। यहां जो हम प्रकट किया गया है कि चरवाहों के लिए जो बताया गया कि जो सब लोगों के लिए जो होगा जो सभी लोगों के लिए ये सुसमाचार बताया गया, लेकिन सबसे बढ़कर ये चरवाहों को बताया गया। लेकिन आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, एक उद्धारकर्ता आपके लिए मेरे लिए जन्मा है करके उसमें बताया जाता है। जब आप 12 से लेके 14 तक पढ़ेंगे, लूका 2 का 12 से लेके 14 तक पढ़ेंगे, 2 to 14। एक मिनट। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का एक दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए ये कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनमें वह प्रसन्न है शांति हो। आगे आगे बढ़िए। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़रियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम को जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और देखिये यहाँ चरवाहे लोग क्या करते हैं, जो सुसमाचार बताया गया है तुरंत क्या करते हैं, जाके वो बताया बातों को देखने के लिए जा रहे हैं। उनके जीवन में उस बातों को अनुभव करना ये इच्छा उनके जीवन में हुआ है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको ये आज स्मरण करना चाहता हूँ कि जो आपके जीवन में भी आपके परमेश्वर के वाक्य द्वारा बताया गया बातों को आपके जीवन में अनुभव करना है, उसको देखना है, सिर्फ छोड़ना नहीं है। ये हमारे आज आपको मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि चरवाहा लोग ने तुरंत उन्हें क्या किया, देखने के लिए वह बताया गया बातों को देखने के लिए गया करके जो उनके जीवन में अनुभव करने के लिए गया। 16 वचन। एक मिनट अंकल। 16 वचन। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यीशु को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। 17 से 20 तक। इन्हें देखकर उन्होंने यह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की। 20 तक पड़ी था। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़रियों ने उनसे कही थी आश्चर्य किया, परंतु मरियम ने सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गड़रिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर वे देख कर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़रिया ने उनसे कहीं आश्चर्य किया। देखो एक बातों को जब परमेश्वर बता रहा है उसको अलग सुनने के साथ जो सुनने वाला सब क्या किया, आश्चर्य हुआ है। लेकिन 19 वचन में हम देखते हैं, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही करके हम देखते हैं। वहां हम देखते हैं वो स्मरण कर रहे थे पिताजी। यहाँ भी जो मरियम में सोचती रही अपने मन में इस बातों को रख रही क्योंकि एक छोटा बालक जन्मा हुआ है उसके देखने के लिए सभी बातों जो बता रहा है जो गड़रिया ने जो आंखें बता रहा है उस बातों को देखा, ज्योतिषों ने आंखें किया हुआ कार्य को देखा, इस बातों को अपना मन में रखी करके हम देखते हैं। आज हम आपके और मेरे जीवन में क्या स्मरण रखना चाहिए, किस बात के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए बताइए। आप और मैं जो है किस बातों के ऊपर स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, हमारा जीवन में सोचते रहना चाहिए, बोलिए किस बात के ऊपर। हमने देखा उस पिताजी ने स्मरण रखा, याद रखा, जैसे मरियम ने उस बातों को पर सोचती रहेगी, स्मरण रखा करके हम देखते हैं। आप और मैं किस बात को ऊपर स्मरण रखना है आज के समय पे? यीशु मसीह का दूसरा आगमन।
जो आप प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए आपको और मुझे स्मरण रखना है, उसके बारे में इंतजार करना है, क्योंकि इसी प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में सारे बातें बताया गया है, जो उसका बाइबल में लिखा हुआ सभी बात आज हो रहा है। ये देखने के साथ जब हमारा जूम में जुड़ा हुआ हम सब लोग उसके लिए तैयार होना है। लेकिन मैं आपको ये उसका पहले ही मैं आपको बताना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ जो चेले थे वो लोग ने उस बातों को भूल गए, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ तब से जो क्रू अब जब इस दुनिया में थे उसने बहुत सारे बातों को बताया था। उस बातों को सारे लोग अपना मन में नहीं रखा, कुछ लोग मन में रखा, कुछ लोग मन में नहीं रखा। मैं आज आपको दो बातों को मैं बताऊंगा। जब चेले ने जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया गया था उसके बाद चेलों ने कैसा व्यवहार किया, जो बाकी लोग कैसा व्यवहार क्रिया करके हम देखेंगे। जो पहले हम देखेंगे मत्ती के सुसमाचार 27 में 62-66 पढ़ेंगे, मत्ती चैप्टर 27 में 62-66 पढ़ेंगे। मत्ती के सुसमाचार 27 में 62-66 मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना। 16-17 उस समय बरब्बा नाम उन्हीं में एक 62 से लेकर 66 तक गब्बर सर 62 से ठीक एक मिनट 27 हाँ। दूसरे दिन जो तैयारी के दिन के बाद का दिन था, महायाजक और फरीसियों ने पिलातुस के पास इकट्ठे पर कहा, हे महाराज, हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाले ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। एक रुकिए, यहाँ देखते हैं कौन स्मरण कर रहे थे। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया उसके बाद कौन स्मरण कर रहे थे उसके बारे में? राजा लोग, राजा महायाजक फरीसी लोग, बाकी लोग क्या कर रहे थे? उस बातों को स्मरण कर रहे थे। क्या स्मरण कर रहे थे? ये मनुष्य मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा करके इसने बोला। लेकिन अपना चेले लोग क्या किया? चेले लोग क्या इसका याद था गया? तो हम देखेंगे, लेकिन पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, जो बाकी लोग हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के मुंह से बताया गया उस बातों को बस बराबर स्मरण रखते थे। मैंने आपको बताया जो यूसुफ का पिताजी जो याकूब जो है स्मरण रख रहा था, यीशु मसीह का माँ जो है मरियम उसके बारे में स्मरण रख रही थी। यहां हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का जो मृत्यु हुआ मारा गया तो पहले ही बाकी लोग जो परिशी लोग जो वो लोग महायाजक लोग वो लोग इस बातों को अपने मन में स्मरण रख रहे थे। तो आके बोलता है कि हमें स्मरण है कि उस भरमाने वाला ने अपने जीते जी कहा था कि मैं 3 दिन के बाद जी उठूंगा। देखो इन उन बातों को वो लोग को विश्वास किया, इसीलिए बारे में क्या कर रहे हैं, वो लोग स्मरण कर रहे हैं, उसको रुकाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे का बारे पढ़ेंगे आज्ञा दे कि तीसरे दिन जब कब्र की रखवाली की जाए ऐसा ना हो कि उसके चेले आकर उसे चुरा ले जाएं और लोगों से कहने लगे कि वह मरे हुओं में से जी उठा है, तब पिछला धोखा पहले से भी बुरा होगा। 65 पिलातुस ने उनसे कहा, तुम्हारे पास पहरियों तो हैं, जाओ अपनी समझ के अनुसार रखवाली रखो। अपने समझ के अनुसार रखवाली करो। यहाँ जो प्रभु यीशु मसीह जी उठने वाला है उनके स्मरण में है, इसलिए उनसे जितना ताकत हो सकता है उतना वो लोग रखवाली करने के लिए कोशिश करते हैं। जब यूसुफ का भाई लोग ने देखा जो उन्होंने उसने भविष्यवाणी किया गया है उसको रुकाने के लिए कितना हो सकता है मार डालने के लिए कोशिश किया करके हम देखते हैं।
प्यारो में आप जो हम आपके ये बताना चाहते हैं, जब बाकी लोग स्मरण रखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बातों को स्मरण रखते हैं, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, उसको रुकावट होने के लिए बहुत सारे कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर का लोग है, कभी कभी हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। अभी हम देखेंगे इस बातों को अपना मन में रखेंगे, जो चेलो लोग का छोड़कर बाकी लोग जो परिशी और महायाजक है वो लोग याद रखता था और वो लोग कोशिश कर रहा था। अभी हम पढ़ेंगे कि लोग ने अपना से जो यरूशलेम के साथ लेकर गया और पत्थर पर मोहर लगाकर कब्र को क्या किया, रखवाली किया, वो लोग ने बहुत सारा कोशिश किया। अभी देखेंगे जो योहन्ना का सुसमाचार 20:1-10 तक पढ़ेंगे, पहले 1-3 पढ़ेंगे पहले, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जो अब चेलो लोग कैसे थे, योहन्ना का सुसमाचार 20:1-3 पढ़ेंगे, उसके बाद 4 पढ़ेंगे। ओके। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा, तब पहन दौड़ी और शमौन पत्रस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा वे प्रभु को कब्र से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पत्रस और दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। देखिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह का जो अखाड़ा जाने के बाद एक तरीके से लोग क्या करते हैं, सुगर कर पत्थर को सील लगा के रखा है, दूसरा तरफ उनका जो बातों को सुनने वाला जो समझने वाला प्रभु यीशु मसीह निकट रहकर बहुत सारे गुप्त बातों को बताया हुआ, वो लोग क्या करते हैं, जो कब्र में आते हैं जो सुगंध को लेकर आता है, सुगंध लेकर क्यों आया, तैयार किया हुआ सुगंध लेकर क्यों आया, 19 में हम करते हैं है ना, सुगंध लेकर आए ना, सुगंध लेकर क्यों आया, पेंट चढ़ाने के लिए नहीं, तैयार किया हुआ सुगंध लेकर, क्योंकि प्रभु कब्र में से बदबू आती है ना, इसलिए जो कब्र में जो है मरा हुआ प्रभु के ऊपर जो सुगंध डालने के लिए वो लोग आए, लेकिन हमारा प्रभु जी उठा, क्योंकि हम आगे के वचन पढ़ेंगे क्योंकि वो लोग ने उस पर मन में नहीं रखा। वहां एक और शब्द मैं बताना चाहता हूँ, उसमें प्रेम करने वाला एक चेला, वो कौन था प्रेम करने वाला चेला, एक प्रेम करने वाला है ना, योहन्ना पत्रस, योहन्ना जो है एक ज्यादा प्रेम करने वाला। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, आप में जुम्मा जुड़ा हुआ में से प्रभु कहता है कि प्रभु का प्रेम करने वाला आप और मैं होना चाहिए, ऐसे एक आप होने के लिए परमेश्वर आपको कृपा करें। और 4-7 तक पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा कितना, योहन्ना का 20:4 4-7 तक पढ़ेंगे। ओके। और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पत्रस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पत्रस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु अलग एक जगह में लपेटा हुआ देखा। देखो अभी दोनों एक साथ जा रहे हैं, जाने के साथ ये क्या करता है, एक चेला क्या करता है, आगे भागता है। देखो प्यारे भाई और बहनों, आप और मैं कभी कभी आगे दौड़ने वाला होगा, साथ साथ जाने वाला, आगे दौड़ने वाला, लेकिन वो आगे दौड़ कर देख कर क्या किया, वापस आया। पत्रस क्या देखता है, पीछे से गया लेकिन अंदर तक गया। तो हमारे जीवन में भी कभी कभी हम क्या करते हैं, दौड़ते रहते हैं लेकिन अंदर नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है स्लोली जाते हैं, वो अंदर तक जाके देखते हैं कैसा है क्या है करके देखते हैं। मैं अभी आगे आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें एक विशेष बात है, उस अंदर देख कर उसने क्या मालूम पड़ा, उसको अंगोच्छा जो है उसके सिर से बांधा हुआ था वो कपड़े के साथ पड़ा हुआ नहीं परंतु अलग एक जगह पर रखा गया। तो अलग रखा गया उसका मतलब क्या, क्यों ये बातों को समय बताया गया, अंगोच्छा को अलग रखा गया करके क्यों बताया गया,
प्रभु जी उठा उसका साक्षी देता। हाँ देखो ये हमारा प्रभु जी उठा है, वो जी उठा है ये समझने के लिए उसका अंगोचा अलग है, बाकी जो कपड़ा है अलग है, इसको अलग अलग कर प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। प्यारों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, उस प्रभु जीवित है इसलिए आप और मैं जीवित है। इस बातों को एकदम स्मरण करने के लिए जो है हमना चिपाही लोग ने बहुत कोशिश किया लेकिन उनसे नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वादा किया प्रभु, वादा कभी बदलता नहीं है, वो प्रभु जी उठा है। आगे कम पढ़ेंगे, आठ और नौ, आठ नौ दस पढ़ेंगे, आठ नौ दस। और दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। क्या किया वो देखकर, क्या किया उसने? विश्वास किया। उसका महिला क्या नहीं, वो लोग विश्वास किया था क्या? नहीं किया था, नहीं किया था, लेकिन लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनके साथ रहने के लिए कितना बहुत बार समय बताया होगा ना, है ना? जब परिचित लोग जो लोग उनको मालूम रहता है स्मरण है तो हमारा चेलों के साथ ज्यादा बार बताया होगा ना, बराबर है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे हमारा जो ग्वालियर असेंबली के लोग हर एक दिन सुबह और शाम को परमेश्वर का वचन स्मरण करते है ना, बराबर है कि नहीं? तो इसलिए आपको और मुझे एक एकदम पक्का हमारा प्रभु का आगमन के बारे में बताया गया है। हमारे लिए एक ही बाकी रह गया है कि हमारा प्रभु आने वाला है, उसको पर स्मरण रखकर भरोसा रखकर उसी के लिए हमारे जीवन होना चाहिए। देखे हम देखकर आप नौवा वचन पढ़ेंगे, नौवा वचन, नौवा वचन। बे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझते थे कि उसे मरे में से जी उठना होगा। देखो ये क्या एकदम ये नौवा वचन है ना, आप लोग को मनन करके रखना चाहिए, क्योंकि जो हमने मत्ती में देखा कि बाकी लोग स्मरण करते थे जब प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु हो गया, तुरंत वो लोग उसके पास जाके बोलते हैं कि हमारे स्मरण है मेरे को याद है ये जी उठेगा, लेकिन अपना चेले लोग स्मरण नहीं किया। तो अभी जब कुछ देखने के बाद वो लोग ने उसको पर भरोसा रखा करके हम देखते हैं, जो समझ गया करके हम देखते हैं चेले अपना घर पे लौट गया। प्यारे भाई और बहनों मैं आपको आज बताना चाहता है, बहुत सारे लोग हम विश्वासी कहते हैं लेकिन जैसा विश्वास करना चाहिए जो प्रभु का वचन के ऊपर पूरा तरीके से भरोसा रखना चाहिए। मैं इसलिए मैं आपको जब जोसेफ के जीवन का समय जो ध्यान करने के समय जैसे उसका पिता ने उस बातों को स्मरण रखा, यहाँ मरियम ने अपना मन में स्मरण रखा, जो दुनिया के लोग जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु होगा प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया उसका बात स्मरण रखा, लेकिन चेलो लोग ने उस बातों को भूल गया। लेकिन अब मैं आपको वचन पढ़ना चाहता हूँ जो जॉन चैप्टर 20 बस 26 से लेके पढ़ेंगे, यूहन्ना 20वां अध्याय 26 से लेके पढ़ेंगे, 26 27 28 पढ़ेंगे। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थॉमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हें शांति मिले। तब उस थॉमा से कहा अपनी उंगली लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ डालकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वास कर। यह सुनकर थॉमा ने उत्तर दिया हे प्रभु हे मेरे परमेश्वर। आगे देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा है जब चेलों को अपने आप को प्रकट किया, उस समय थॉमा नहीं था। थॉमा वापस बाद में क्या बोलता है कि जब तक मैं उस प्रभु यीशु मसीह के पंजर में मेरा उंगली डालकर नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। देखिए दुनिया के लोग याद रखते हैं, चेले लोग भूल गए, याद नहीं था, कब्र देखकर विश्वास किया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह उनके साथ प्रकट किया, उस समय थॉमा नहीं था, थॉमा को भी विश्वास कर नहीं सका। प्यारे भाई और बहनों आपका जीवन कैसा है?
मैं आपको ये बताना चाहते हैं कि इस प्रभु यीशु मसीह का बातों को उसने हमारे लिए भविष्यवाणी किया, वो बातों को आप पूरा तरीके से विश्वास करते हैं क्या? क्योंकि जितना भी बात परमेश्वर ने हमारे लिए प्रकट किया सारे बात पूरा हो चुका है। इसलिए आने वाला समय में जो बाकी है वो एक ही बात है, वो भी पूरा आ जाएगा। अपने उसने दूसरा जाए कि प्रभु हमारा साथ है करके उसने बताया, उसके देखें उसका बात उसने विश्वास किया। आपका विश्वास कैसा है? लेकिन फिर भी हम देखेंगे इनका वो जो विश्वास किया उसका बाद में भी उनका विश्वास क्या हो गया, काम हो गया। हम देखेंगे 21वां अध्याय पढ़ेंगे, योहन्ना का 21वां अध्याय एक से लेकर जल्दी से पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास की झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया, इस रीति से प्रकट किया। आगे क्यों ऐसा इस तरीके से प्रकट किया करके बोलते हैं, इस तरीके से वापस क्यों प्रकट किया, बोलिए। क्योंकि उन लोगों को विश्वास नहीं था, विश्वास पूरा नहीं हुआ ना, उसका उनका पूरा विश्वास नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे। शमौन पतरस और थोमा जो दीदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतनेल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से दो जन इकट्ठे थे। तब शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। सो वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। आगे पढ़िए। भोर होते ही यीशु किनारे पर खड़ा हुआ तो भी चेलों ने ना पहचाना कि यह प्रभु यीशु है। देखो प्रभु यीशु मसीह उनका पास आके खड़ा हो गया, वो लोग क्या नहीं किया, नहीं पहचाना, विश्वास नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना, क्यों नहीं पहचाना? अब क्या सोचते हैं, क्यों नहीं पहचाना वो लोग? क्योंकि उस प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, 3.5 साल थे, उसके बाद जी उठने के बाद अपने आप को प्रकट कर दिया। फिर उसके बाद में भी जब प्रभु यीशु मसीह उनके साथ में आया तो वो लोग नहीं समझा, क्यों कारण क्या है जी अंकल? क्यों नहीं समझा वो लोग ने? यीशु मसीह है करके वो लोग क्यों नहीं समझा, क्यों पहचाना नहीं, क्यों नहीं पहचाना? उनको विश्वास नहीं था, वो भूल गए थे, भूल गए थे, और विश्वास नहीं था। और क्या हो सकता है, आत्मिक आंखें बंद थे, आत्मिक आंखें बंद थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम समस्या से जाते हैं, जब कुछ समस्या जो हमारा कठोर समस्या में जाते हैं तो हम कभी कभी हमारे प्रभु को समझना भी नहीं होता है, बराबर है कि नहीं? हमारे साथ प्रभु है क्या, वो समझना कठिन हो जाता है। गिदियोन बोलता है कि गिदियोन जब अपना जब परमेश्वर का दूत प्रकट होने के साथ साथ बोलते हैं कि मेरे बाप दादाओं ने क्या बोला कि वो सारा अचंभित मेरा परमेश्वर ने किया, लेकिन वो परमेश्वर अभी कहाँ है? क्योंकि कुछ परेशानी में जाने के समय हमें मालूम होना वो कठिन हो जाता है। यहाँ भी वो लोग ने पूरा रात मच्छी पकड़ा, एक भी मच्छी नहीं मिला, तब वो परेशानी में थे। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास आया तो समझने में कठिन हो गया। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन भी ऐसे ही जो समस्या दुनिया में हो रहा है, हो सकता है कि आपके जीवन में भी ये प्रभु मेरे साथ है क्या, उसने जो वादा किया बात वो मेरे जीवन में कर रहे हैं क्या, वो समझने में हो सकता है कि कठिन होगा। लेकिन हमारा प्रभु बड़ा परमेश्वर है, आप उनका आपका वेदनाओं को कष्टों को जानने वाला है। वो प्रभु यीशु मसीह एकदम सुबह के समय किनारे पे आ आया करके देखते हैं, जो देर करने वाला नहीं है। हमारा प्रभु हमारा साथ रहने वाला है, हमें चुड़ाने वाला है, हमें मदद करने वाला परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आगे के वचन पढ़ेंगे, 6 से लेके पढ़ेंगे। कितना अंकल? 3 से जैसे लेके पड़े। उसने उनसे कहा, नाप दाहिनी ओर, समय कम है, 7 से पढ़िए, 7। ओके, इसलिए उस चेले ने जिससे वो यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। परंतु पतरस ने यह सुनकर कि प्रभु है कमर में अंगोचा अंगरख का कस रख लिया था, क्योंकि वह नंगा था और झील में खून पड़ा। दस्तक पड़ी। परंतु और चेले डोगी पर मछलियों से
भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूरी दूर नहीं, कोई 200 हाथ पर थे। जब किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछली तुमने अभी पड़ी है उसमें से कुछ लाओ। देखो अपने प्रभु कैसा परमेश्वर है, उनका समस्या जानते थे। समस्या से वो आने के साथ साथ सुबह सुबह वहां पर आया और बोला कि डाइने और तुम्हारा बोट जाल डालो। जाल डाला, मछली मिल गया। एकदम लिखा है कि एकदम किनारे में थे। रात पर पूरा किधर था, जो एकदम 11 समुद्र में था, लेकिन किनारे में भी मछली परमेश्वर ने दिया और ये बताया कि मैं जीवित परमेश्वर हूं। उसने तैयार किया हुआ रोटी और मछली उनको दिया। प्यार भाई और बहनों, आपका अवस्था जानने वाला परमेश्वर है, आपका हृदय का जो धड़कन जानने वाला परमेश्वर है। भाई मिस्र में लोग थे, उनका जो दर्द जाना वो परमेश्वर उनसे छुड़ाया। ए प्रभु यीशु मसीह, जो अपने चेलों को जो अवस्था जानकर उस अवस्था को उसमें से छुड़ाया, उनको तसल्ली दिया परमेश्वर, आज आपके जीवन को तसल्ली देने वाला है। प्रेरितों का काम पहले अध्याय 8 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। हमारा प्रभु जैसे उठाया गया वैसे ही वापस आएगा। मेरे भाई और बहनों, हमारा प्रभु वादा किया है, जैसे उठाया गया है वैसे ही वापस आएगा। आप इस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं क्या? वो प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। दुनिया में जो ये संभव हो रहा है, ये सारे संभव जो है, हमें ये बताती है कि हमारा प्रभु एकदम जल्दी आने वाला है। जो बताए जो हमारे परमेश्वर के वचन में एकदम सरल तरीके से लिखा गया है कि हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। जब आएंगे तो क्या क्या होएगा? मत्ती को सुसमाचार 24 में लिखा है कि जब अपना जो नोह के समय पर कैसा हुआ है वैसे ही जो प्रभु यीशु मसीह का आने के समय भी होगा करके लिखा है। तो परमेश्वर का जो जब नोह के समय में कैसा था उसको हम 2-3 वचन पढ़ेंगे। उल्पत्ति का 6वां अध्याय 6 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। उल्पत्ति के पुस्तक 6वां अध्याय 6 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति 6 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। छह से आठ। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उसके बनाने से पछताता हूँ। आगे परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। देखिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, दुनिया में लोग एकदम बुरी जीवन बिता रहे थे, लेकिन उसमें से नूह को परमेश्वर ने धर्मी देखा, उसको पर अनुग्रह हुआ है। आज भी हम देखेंगे लोगों का जीवन एकदम बड़ा भयानक जीवन बिताते हैं, उसमें से परमेश्वर का अनुग्रह आपको ऊपर मेरा ऊपर मिला है, क्योंकि वो प्रभु आने वाला है। जो नोह के बारे में देखने के समय परमेश्वर का कृपा उसके साथ था, वो धर्मी था, वो पूरा परफेक्ट था और परमेश्वर का साथ साथ चल रहा था और परमेश्वर का वचन को वो प्रचार कर रहा था। प्यार भाई और बहनों, आप भी जो इस समय पर हमको क्या हमारा प्रभु से हमारा अनुग्रह मिला है, वो प्रभु का अनुग्रह का साथ साथ आज आप और मैं है, इसलिए प्रभु के साथ में चलना है। अब ये हमारा एक निर्णय लेंगे। वो लोग उस समय हम देखते हैं कि लोग जो है जब तक जलप्रलय नहीं हो रहा था तब तक कोई विश्वास नहीं किया। हम चेले के बारे में देखा, वो लोग को भी जब खबर देखा तू भी विश्वास नहीं किया। तो प्यार भाई और बहनों, आपके जीवन कैसा है पढ़कर देखिए, हमारा प्रभु आने वाला है। प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। नूह के समय पर नूह ने सबको बताया। जब जानवर जो है एक एक लाइन में जा रहा था, वो देख के भी वो लोग ने क्या किया, क्या नहीं किया, विश्वास नहीं किया। प्यार भाई और बहनों, हो सकता है कि हमारे जूम में जुड़ा हुआ लोग
कोई भी आपके जीवन में कोई भी शक है क्या? हमारे प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। ये बातों को बताया है इस परमेश्वर के वचन में। हम पूरा भरोसा रखते हैं क्या? आप उसको बारे में स्मरण करते हैं क्या? ये बातों को मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि यूसुफ के जीवन में जब आप पढ़ने के समय आपको और मुझे मेरे जीवन में स्मरण इस बातों को रखना है, उस परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया, उस पे प्रेम करने के कारण स्वर्ग महिमा छोड़कर मेरे लिए पृथ्वी पर आया, मेरे लिए दुनिया में जिया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा है, मेरे प्रभु आज भी जीवित है, वो प्रभु जीवित है, इसलिए मैं जीवित हूं। वो प्रभु वादा किया है कि मैं वापस आऊंगा, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ऐसा वादा किया है। और उसने बताया कि जब नोहा के समय पर कैसा हुआ वैसे ही होगा करके बताया। आज के दिन में हम देखते हैं उसी साइज समय को हम देख सकते हैं। इसलिए हमें आपको और मुझे स्मरण रखना है कि हमारे प्रभु एकदम जल्दी आने वाला है, उसको हम तैयार रहना है। आप तैयार है क्या उस प्रभु यीशु मसीह को अब मिलने के लिए? आप तैयार है क्या? आप जो हम देखते हैं जो सब लोग दो चीज करते रहेंगे उसका बीच में प्रभु आएगा, हम देखते हैं आप प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए तैयार है क्या? प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, जैसा उठाया गया वैसा प्रभु आएगा। आने के समय जो पहले प्रभु में मरा वो लोग उठाए जाएंगे, उसके बाद वो जीवित है, हम रूपांतर होकर प्रभु का साथ में हम जाएंगे। वो आने वाला है, जल्दी आने वाला है। उसका जो संभव जो आजकल जो दुनिया में हो रहा है ये संभव सब ये बताती है कि हमारा प्रभु जल्दी आने वाला है। प्यार भाई और बहनों, आप तैयार है क्या उस प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए? जब हम एक शादी में जाते हैं तो हम सादा कपड़ा में नहीं जाते हैं, क्या करते हैं? तैयारी करते हैं। कुछ लोग एक महीना पहले तैयारी करते हैं, कुछ लोग एक हफ्ता पहले तैयारी करते हैं, कुछ लोग दो दिन पहले तैयारी करते हैं, कुछ लोग एक दिन उसी दिन तैयार हो जाते हैं। प्यार भाई बहनों, आप कैसा है? उस प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उसके लिए आप तैयार है क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये समस्या जो चेले लोग जब समस्या में थे तो प्रभु यीशु मसीह उनका पास में आ गया, तो वो लोग जाना नहीं पहचाना नहीं करके हम लिखा है, जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, उस बातों को वो लोग स्मरण नहीं किया, वो याद नहीं किया, भूल गया। प्यार भाई, आपका जीवन कैसा है? आप इस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। मैं यूसुफ के जीवन का पढ़ने का समय उसका पिताजी स्मरण रखा, ये प्रभु यीशु मसीह जन्म हुआ तो मरियम ने स्मरण रखा, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया बाकी लोग ने स्मरण रखा, चेले लोग स्मरण नहीं रखा। यहां प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आप उस पार्क में स्मरण कर उसको पर भरोसा रखकर उसमें आनंदित होकर आनंदित जीवन बिता रहे क्या? वो मैं आपको पूछना चाहता हूँ। आप उस पर प्रभु के पर भरोसा रखकर हमारे अवस्था जान दे, हमारे हमें ना छोड़ने वाला, हमारा साथ रहने वाला, हमें संभालने वाला प्रभु हमारा साथ है। इसलिए उसको पर भरोसा रखकर उसके लिए जीने के लिए प्रभु दया करें। अब यह अवसर हमें मुझे दिया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आपके जीवन में जो अब एक ऐसा जीवन बिताए, आनंदित जीवन बिताए, ताकि मेरे प्रभु जितना भी बात बताया सारे बात ऐसे ही पूरा हो रहा है। ज्यादा समय नहीं है, थोड़ा समय में बाकी, सेवा अभी भी काफी, हम तैयार हो जाएंगे, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करेंगे। और प्रभु आपको और हमें आशीष करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। मेरा आवाज आ रहा है क्या? बहुत अच्छी रीति से प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यूसुफ के जीवन से, यूसुफ का जीवन प्रभु यीशु मसीह के जीवन से कैसा संबंध है उसके बारे में आपने हमको बहुत अच्छी रीति से समझाए, और बहुत ही एक प्रायोगिक जीवन से लेके करके आए, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आप हमको ये भी समझा दिए कि प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य को, प्रभु यीशु मसीह का जो वायदा जो किया है उसको अपने हमको दोबारा याद दिला दिए कि सचमुच में हमारे जीवन में एक आशा है कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे। और उतना ही नहीं, जो भाई बहन प्रभु में सो गए हैं, सबसे पहली बात तो उन लोग को जिलाएंगे, फिर जो हम लोग जिंदा है